नमस्कार स्टूडेंट, आज के जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ ये आईसी के टॉपिक के ऊपर लेकर गया हूँ। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो आईसी के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो आईसी होती है उस आईसी का क्या रोल होता है। आज का टॉपिक हमारा बड़ा अहम टॉपिक है कि हम लोग आईसी के बारे में सीखेंगे। और दूसरी बात रहता है कि हम आपको आईसी के बारे में फुल जानकारी देने वाले हैं, मतलब पूरा कंप्लीट जानकारी कि ए से लेकर जेड तक मोबाइल फ़ोन में कितने तरह की आईसी लगी होती हैं, कौन से आईसी का क्या काम होता है, आईसी क्या वर्किंग होती है, आईसी को कैसे पहचाना जाता है कि आईसी सही है या ख़राब है। इस तरीके से हम लोग आज के जो टॉपिक है हम लोग आईसी के बारे में समझने वाले हैं। दूसरी बात क्या, आज के वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर करूँगा कि हम लोग आईसी को पहचानते कैसे हैं। ज़्यादातर जितने भी सारे जो टेक्नीशियन लोग होते हैं उनको मदरबोर्ड में ये प्रॉब्लम आती है कि ये कौन सी आईसी लगी है, ये कौन सी आईसी लगी है। एक एक करके अगर आप बात करेंगे तो ये कौन सी आईसी लगी है, ये आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सी आईसी लगी है, ये कौन सी आईसी लगी है, ये वाली कौन सी आईसी लगी है। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो हम लोग मोबाइल फ़ोन में पहचानेंगे कैसे कि आइडेंटिफिकेशन की, मतलब हमारे पास मोबाइल फ़ोन के अंदर आईसी है क्या चीज़ और आईसी को पहचानने का तरीका क्या है। तो आज का टॉपिक जो अपना होने वाला है वो पूरा आईसी के ऊपर होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप इस तरीके से टेक्निकली कोर्स आपको सिखाया जाता है। यहाँ पर मात्र 45 दिन का कोर्स होता है। 45 दिन के अंदर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है। जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक हम लोग कंप्लीट सफर तय करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो आईसी के टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो सीखने वाले हैं, आईसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में आईसी लगी होती है। आज तक ऐसा कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं बना जिस मोबाइल फ़ोन में आईसी ना हो। अगर मोबाइल फ़ोन में आईसी नहीं तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं। तो मोबाइल फ़ोन का मेन चीज़ जो है वो आईसी होता है। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं सभी मोबाइल फ़ोन में आईसी पाई जाती है। आईसी ख़राब होने से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कई सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। आईसी मोबाइल फोन को कंट्रोलिंग का वर्क करती हैं। आईसी मोबाइल फोन में कंट्रोलिंग का वर्क करती हैं। इसका काम क्या होता है मोबाइल फ़ोन में कंट्रोलिंग करना, मतलब जो भी चीज़ होती है उस चीज़ को क्या काम करना, कंट्रोल करना। तो आईसी मोबाइल फ़ोन में कंट्रोलिंग का वर्क करती है। ये क्या काम करती है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ों को आपस में कंट्रोल करती है, सारी चीज़ों को ऑपरेट करती है, सारी चीज़ों को चलाती है। तो आईसी मोबाइल फ़ोन में कंट्रोलिंग का वर्क करती है या सेक्शन या सर्किट के हिसाब से मोबाइल फोन में लगी होती हैं। आईसी जो हमारे मोबाइल फोन में लगी होती हैं ये मोबाइल फोन में सर्किट के हिसाब से लगी होती है, सेक्शन के हिसाब से लगी होती है। जैसे चार्जिंग के लिए है तो चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग आईसी, पावर के लिए लगी हुई है तो पावर सेक्शन पावर आईसी, या आपका लाइट सेक्शन है या लाइट सर्किट और लाइट के लिए लाइट आईसी। इस तरीके से आईसी जो होती है वो अपने सर्किट या सप्लाई के हिसाब से मोबाइल फ़ोन में लगी होती हैं। ये कंपनी डिसाइड करती है कि इस मोबाइल फ़ोन में दो आईसी लगाएगी, तीन आईसी लगाएगी, चार आईसी लगाएगी, पाँच आईसी लगाएगी, नहीं लगाएगी। ये सारी चीज़ें जो बातें होती हैं ये अपनी कंपनी डिसाइड करती है। अब आईसी जो होती है मोबाइल फ़ोन में अलग अलग डिज़ाइन की पाई जाती है। जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में आईसी अलग अलग डिज़ाइन की पाई जाती है। आईसी सभी कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है।
आईसी जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं सारे कंपोनेंट्स से मिलकर के बनी होती है। आईसी के ऊपर जो ब्लैक कलर का जो अगर देखा जाए तो ब्लैक कलर का एक जो मेटल यूज होता है या ब्लैक कलर का पदार्थ यूज होता है, जो भी चीज़ अगर आप उसको कह सकते हैं, तो वो समझ लीजिए उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो जितना क्विकली गर्म हो जाता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है। जो अगर देखा जाए तो अगर चाइना के हिसाब से उसकी सबसे बड़ी कीमत होती है, जो कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जितनी सारी अलग अलग मेटेलिक धातु आती हैं सारी धातु से मिल करके बनाया जाता है। अगर आप देखेंगे कि जैसे मेरे पास मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी आईसी होती हैं कोई आईसी लाल, नीली, हरे कलर की नहीं होती, सारी आईसी ब्लैक कलर की होती हैं। इस ब्लैक कलर की यही खासियत होती है कि अगर एक सेकंड के अंदर इतना गर्म हो जाए कि हाथ नहीं रख सकते, तुरंत आपको इतना ठंडा हो जाए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गर्म भी था। तो इस मेटल की यही खासियत होती है, तुरंत गर्म होता है, तुरंत ठंडा होता है। तो आईसी सभी कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में आईसी फ़िलहाल लगी होती है। सबसे पहली आईसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टू साइड पिन आईसी। तो हमारे आईसी के अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले आईसी होती है टू साइड पिन आईसी। टू साइड पिन आईसी में इस तरीके से डॉट लगा होता है। डॉट से ये पता चलता है कि पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। अच्छा, डॉट से हम लोगों की जो काउंटिंग होती है वो हमेशा एंटी क्लॉक काउंटिंग होती है। एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी का जस्ट विपरीत दिशा, घड़ी का जस्ट उल्टा। तो अगर मान लिया डॉट यहाँ पर लगा है तो पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, जैसे मान लिया ये आईसी लगी है, इस आईसी में देखा कि इसमें डॉट है यहाँ पर है, तो बस एंटी क्लॉक का मतलब फिर वही नियम 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से हम लोग आईसी को पहचान सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से उसके पिनों को हम लोग पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आईसी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं टू साइड पिन आईसी। टू साइड पिन आईसी का मतलब क्या होता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, इस तरीके से कई सारी अलग अलग पिन्स होती हैं। फिर उसके बाद टू साइड पिन के बाद अगली आईसी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर साइड पिन आईसी। फोर साइड पिन आईसी में क्या होता है, चारों तरफ पिनें होती हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब चारों तरफ बराबर पिनें होती हैं। इसमें भी सेम वही पोजीशन होती है कि आईसी में क्या होता है, एक डॉट लगा होता है, डॉट से पता चलता है कि ये पिन नंबर 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब घड़ी के जस्ट उल्टा, घड़ी इधर को घूमती है, इसका पिन है, उल्टा काउंटिंग होती है। तो जो पिन की काउंटिंग होती है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉक होती है। उसके बाद इसे बोलते हैं फोर साइड आईसी जिसमें चारों तरफ पिनें होती हैं। मैं अभी आपको सारी आईसी मदरबोर्ड में आपको दिखाता भी हूँ, डिस्प्ले भी करता हूँ कि कैसे वो दिखाई देती हैं। उसके बाद फोर साइड के बाद अगली आईसी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीजीए आईसी। पीजीए आईसी का पूरा नाम होता है पिन ग्रिड एरे। पीजीए आईसी का नाम क्या होता है, पिन ग्रिड एरे। अगर आप देखेंगे तो इस आईसी में ऐसी अंदर की तरफ पिनें होती हैं, इसमें अंदर की तरफ पिनें होती हैं, अंदर की तरफ पिन होते हैं, इसे बोलते हैं पिन ग्रिड एरे, पीजीआईसी। उसके बाद अगली आईसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बीजीएआईसी। बीजीआईसी का पूरा नाम होता है बॉल ग्रिड एरे। अब जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं सारे स्मार्टफोन में, कीपैड फ़ोन में, सभी में मोस्टली जो आपकी आईसी पाई जाती है वो तुम्हारी बीजीआईसी होती है। उसमें क्या होता है, अंदर इस तरीके से बॉल्स होती हैं, इन्हीं को हम लोग रिबॉल करके मोबाइल फोन में लगाते हैं। तो इसमें अब इसमें पिन की काउंटिंग कैसे होती है, इसमें पिन की जो काउंटिंग होती है वो इसमें ऐसा होता है कि एक तरफ की जो पिन होती हैं वो इसमें लिखा होता है ए बी सी डी ई एफ, और एक तरफ की जो पिनें होती हैं उसमें लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5।
अगर आप इस पिन के काउंटिंग की तरफ जाएंगे, जैसे ये वाली पिन के अगर बोलेंगे तो ये वाली पिन जो तुम्हारी है, ये तुम्हारी E2 पिन है। अगर ये वाली पिन की बात करेंगे तो ये वाली पिन तुम्हारी A1 है। अगर इस वाली पिन की बात करेंगे तो ये वाली तुम्हारी है D4। इस वाली पिन की बात करेंगे तो ये वाली पिन हो जाएगी तुम्हारी B5। इस तरीके से इसकी पिनों की काउंटिंग चलती है कि मतलब एक तरफ ABCD होती है, एक तरफ क्या होता है 1 2 3 4 5 होती है। तो इस तरीके से इसकी पिनों को काउंट किया जाता है, A2 B1 B3 B15 B27 BSC, इस तरीके से पिनों की काउंटिंग होती है। तो ये जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की IC लगी होती हैं। सबसे पहले IC आती है जिसे हम लोग बोलते हैं 2-साइड पिन IC, जिसमें दोनों तरफ पिनें होती हैं। 4-साइड IC, जिसमें चारों तरफ पिनें होती हैं। जो PGIC पिन ग्रेडर है, जिसमें अंदर की तरफ पिनें होती हैं। मोबाइल फ़ोन में PFO है, नेटवर्क सेक्शन है, इस तरीके से वहाँ पर आईसी आपकी लगी होती हैं। उसके बाद जो BGIC होती है, जितने भी CPU हैं, पावर है, MMC WTR है, या रिंगर IC, ऑडियो IC, जो भी सारी ICओं के रूप में यूज होती है, तो वो तुम्हारी ये BGIC अब मोबाइल फ़ोन में पाई जाती है। तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन में इतनी अलग अलग डिज़ाइन की IC लगी होती है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क के लिए जो IC लगी है उसका शेप इस तरीके से दिया हुआ है, कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन उसके नेटवर्क का शेप इस तरीके से लगा हुआ है, तो आप एक दूसरे को लगा नहीं सकते। क्योंकि जब तक एक दूसरे का शेप नहीं मैच करेगा, तब तक आप एक दूसरे को आप आसानी के साथ में फिट नहीं कर सकते। जब तक फिट नहीं होगा तब तक चलेगा नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि उसका साइज कैसा है। वो साइज जिस हिसाब से होगा उसी तरीके से आप उसको पहचानेंगे, उसी तरीके से आप उसको रिपेयर करेंगे, उसी हिसाब से आप उसको चेंज करेंगे। तो हमने आपको कितने तरीके की IC बताई, आपको 4 तरीके की IC। एक तो सबसे पहली IC जिसे 2-साइड पिन IC, दूसरी IC 4-साइड, PGA और BGA। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बॉल IC के बारे में, पिन IC के बारे में, 4-साइड पिन IC के बारे में, पिन को काउंट करने का तरीका, देखिए मैं आपको लिख भी देता हूँ, IC की पिन काउंटिंग एंटी क्लॉक होती है। IC की जो पिन की काउंटिंग होती है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉक होती है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में IC की जो पिन की काउंटिंग करी जाती है वो एंटी क्लॉक वाइज पिन की काउंटिंग करी जाती है। तो हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से कैसी कैसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की IC होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा IC के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता हूं, जैसे नोट। सबसे पहली बात ये होती है कि IC की कोई टेस्टिंग नहीं होती है। IC की कोई टेस्टिंग नहीं होती। जो भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर IC की कोई टेस्टिंग नहीं होती। IC का कोई चेक करने का तरीका नहीं बना, कि कोई ऐसा तरीका नहीं बना जिस तरीके से आप चेक करके ये बता सको कि 100% हमारी IC सही है कि नहीं सही है। तो IC को कोई चेक करने का तरीका नहीं बना अब तक। IC की फ़िलहाल कोई टेस्टिंग नहीं होती है। IC हीट होने पर, ब्रेक होने पर, बर्न होने पर क्रैक होने पर, IC हीट होने पर, ब्रेक होने पर, बर्न होने पर, क्रैक होने पर वाटर डैमेज केस में IC खराब हो जाती हैं। IC का खराब होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, IC हीट हो रही हो, ब्रेक हो गई हो, बर्न हो गई हो, क्रैक हो गई हो, या वाटर डैमेज केस पर हमारी ICयां क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं। IC खराब हो जाएगी तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सीधे सीधे उसको चेंज करते हैं। उसके बाद IC को उसके इनपुट और आउटपुट के हिसाब से चेक करते हैं। IC को उसके इनपुट और आउटपुट के हिसाब से चेक करते हैं, मतलब हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो IC लगी होती है
उस आईसी को इनपुट और आउटपुट के हिसाब से चेक किया जाता है। मतलब जो भी मोबाइल फ़ोन का ना जो आईसी हमारी पाई जाती है, जो आईसी लगी होती है, उसको हम लोग इनपुट और आउटपुट के हिसाब से चेक करते हैं। इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है, उसमें कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, इस हिसाब से हम लोग आईसी को चेक करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि ये लाइन हमारी आ रही है और मान लिया ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी है, इसको काम करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, तो इसका मतलब होता है इसका 4 वोल्ट आउटपुट बनता है, ये आपको निकलना चाहिए। मतलब ये एरिया हो गया तुम्हारा इनपुट, ये जो निकलने वाला एरिया हो गया ये क्या हो गया आउटपुट। तो अगर आईसी का इनपुट सही है और आउटपुट भी सही है तो इसका मतलब है आईसी हमारी सही है। अगर आईसी का इनपुट ख़राब है तो आईसी काम नहीं करेगी 100%, तो आईसी को फॉल्टी नहीं कह सकते, पहले उसके इनपुट को रिपेयर करिए। अगर आईसी में इनपुट सही है लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी आईसी वर्किंग पे नहीं है, आईसी काम नहीं कर रही है। दूसरी बात क्या है, आईसी को काम करने के लिए इसके कमांडिंग सिग्नल भी आते हैं, अगर वो सिग्नल भी ख़राब हो जाते हैं तब भी आईसी काम करना बंद कर देती है, उस केस में भी हमारी आईसी ख़राब हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि आईसी को जब हम लोग इनपुट और आउटपुट के हिसाब से चेक करते हैं, आईसी को सर्किट के हिसाब से चेक करते हैं कि हमारी आईसी सही है या ख़राब है। आईसी को उसके नंबर से पहचानते हैं और चेंज करते हैं। आईसी को उसके नंबर से पहचानते हैं, आईसी को किससे पहचानते हैं, उसके नंबर से पहचानते हैं, आईसी को उसके नंबर से पहचानते हैं और चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब क्या होता है, बदल देते हैं। जब भी आईसी को आप बदलेंगे तो मेन चीज़ होता है उसका जो होता है उसका नंबर। जैसे मान लिया मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आईसी लगी हुई है PMI 632 लगी है, वो बेशक रेडमी का मोबाइल फ़ोन है। अगर उसी तरीके से कोई दूसरा कंपनी का मोबाइल फ़ोन होता है, अगर उसमें भी PMI 632 लगी है, तो आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मान लिया आपके पास कोई वीवो का मोबाइल फ़ोन है, उसमें PM 89 16 लगा हुआ है, तो दूसरे मोबाइल फ़ोन है, रेडमी का मोबाइल फ़ोन है या ओप्पो का मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी अगर PM 89 16 लगा है तो आप उसको आपस में चेंज कर सकते हैं। तो इनका चेंज करने का जो बनता है वो कैसे बनता है, उस आईसी के नंबर के हिसाब से बनता है, क्योंकि आईसी के नंबर के हिसाब से सर्किट डिजाइन होता है, उस सर्किट के हिसाब से वो मदरबोर्ड काम करता है, उस हिसाब से हम लोग उसको चेंज करते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बात मायने नहीं रखती कि वो मोबाइल फ़ोन में ओप्पो मोबाइल फ़ोन की आईसी है कि वीवो मोबाइल फ़ोन की आईसी है कि टेक्नो मोबाइल फ़ोन की आईसी है, क्योंकि जितनी भी सारी कंपनियाँ होती हैं ये सारी मोबाइल फ़ोन के बॉडी तक ही सीमित है, उसके बाद मदरबोर्ड में कहीं कोई कंपनी का नाम नहीं है। अगर मदरबोर्ड की अगर आप बात करते हैं तो मदरबोर्ड के अंदर जो इसका जोर चलता है, जो प्रेशर होता है, जो काम करने का तरीका होता है, ये काम करने का स्टाइल है, वर्किंग का स्टाइल है, वो टोटली आईसी पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जितने भी सारे रिपेयरिंग के जितने भी सारे टेक्नीशियन होते हैं, तो जब आईसी लेवल पर काम करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि उसके आईसी का पूरे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। ये बात जो मैंने आपको बताई हुई है, ये समझ लीजिए रिपेयरिंग के लिए बहुत अहम बातें हैं कि जिससे आप उस चीज़ को समझ करके आपको रिपेयर करने में आसानी मिलेगी। तो आईसी को उसके नंबर से पहचानते हैं और उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आईसी भी अच्छा जितनी भी कंपनी की होती है, सारी अलग अलग कंपनी की आईसी आती हैं, वो आईसी भी उसके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती है। इससे पहले मैंने सीपीयू क्या है, मीडियाटेक क्या है, क्वालिकॉम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, स्नॉस क्या है, इस तरीके से कितने अलग अलग तरीके सीपीयू, सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल से वीडियो पिछली वीडियो में डाला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं, या मैं उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, ताकि आप उनको वॉच करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ये मैं और दोस्तों आईसी के ऊपर मैं कम से कम आपको 5 से 7 वीडियो देने वाला हूँ, ए से लेकर जेड तक। मोबाइल फ़ोन में कितनी तरह की आईसी होती है, आईसी को काम करने का तरीका हो क्या होता है। हमारे कई बहुत ऐसे स्टूडेंट ने हमको सर कमेंट किया हुआ है कि सर आईसी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन बताइए, आईसी के बारे में फुल जानकारी दीजिए, ताकि हम जितने भी सारे लोग जो रिपेयरिंग करने वाले हैं वो हम आपको अच्छी तरीके से शुक्रिया अदा कर सकें और हम उन सब चीज़ों को सीख करके समझ करके अच्छी तरीके से काम कर सकें। और आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको कहना भी चाहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ों को सीख भी रहे हैं और कॉपी में नोट भी कर रहे हैं। आप लोग भी नोट करिए, अगर आप इसको नोट करते रहते हो, लिखते रहते हो, समझते रहते हो, तभी तो सीखने में मज़ा आता है। ऐसा तो है नहीं कि हवाबाजी में काम कर रहे हो, अगर सारा काम तुम हवाबाजी में करोगे तो सब हवा में रहेगा,
हवा का मतलब सब हवा भाई हो जाएगा, सब यहाँ से लिया यहाँ निकाल दिया, खत्म कहानी। तो इसलिए क्या, अगर समझना है तो इसको कॉपी में नोट करो, अच्छे से नोट करोगे ना आप खुद बोलोगे सर 6 दिन 7 दिन क्लास का वीडियो देखो, ट्रेनिंग सेंटर को तो बाद में ज्वाइन करो, सीखना गया बाद में, सीखने का काम बाद में, पहले तुम खुद ये समझो कि तुम सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते। अगर सीख सकते हो उससे सीखने के लिए खड़े हो, नहीं सीख सकते तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए मैं आपको जितनी भी सारी वीडियो डाल रहा हूँ उन वीडियो को अच्छे से नोट करो, उनको लिखो, उनको राइटिंग पैड में करो, ताकि आप ये कैलकुलेशन कर सकें कि सर ने जो चीज़ मुझे सिखाई है वो सही है कि नहीं सही है, हम उस चीज़ को सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बात तभी कर सकते हैं जब आप कॉपी में नोट करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे आपको अच्छा भी लगेगा, आपको समझ में भी आएगा और हमारी जो भी सिखा हुआ तरीका आपको अच्छा भी लगेगा। तो हम लोगों ने जो वीडियो में आज जो देखा है समझा है वो आईसी के बारे में समझा। एक बार मैं आपको फिर से दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, जितने भी सारे लोग हैं सब लोग स्टेप बाय स्टेप इस कॉपी में आप नोट कर लीजिए। आईसी मैं आपको दोबारा आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना रहे। तो आईसी मोबाइल फ़ोन में कंट्रोलिंग का काम करती है। आईसी सेक्शन या सर्किट के हिसाब से मोबाइल फ़ोन में लगी होती है। आईसी जितने भी सारे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं सब चीज़ों में मिलकर के बनी होती है, सारे कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। आईसी ब्लैक कलर की होती है, उस ब्लैक कलर मेटल की यही खासियत होती है वो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। आईसी टू साइड पिन आईसी, टू साइड पिन आईसी का मतलब क्या होता है, इसमें दो साइड पिन आईसी होती है, इसमें डॉट लगा होता है, डॉट से हमको ये पता चलता है कि ये हमारी पिन नंबर 1 है। पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हम लोग एंटी क्लॉक पिनों को काउंटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी आईसी जो दूसरी आई थी अगर उसका कल को पिन का साइज चेंज होता है, पिन ऊपर की जगह नीचे हो जाती है तो हम वहीं से पिन की काउंटिंग कर लेते हैं, मतलब एंटी क्लॉक ही हमको काउंट करना है। तो पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से पिन को काउंट कर लेते हैं। दूसरी बात क्या होता है, आईसी फोर साइड पिन आईसी जिसमें चारों तरफ पिन पाई जाती हैं, चार पिन चार चार करके होंगी, पैरेलल में होती हैं, अगर चार ऊपर होंगे तो चार नीचे होंगे, चार लेफ्ट होंगे चार राइट होंगे, अगर पांच पांच करके होंगे तो पांच पांच करके होंगी, अगर छः छः करके होंगे तो छः छः करके होंगे, वहीं से पिन नंबर काउंटिंग कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से सारी पिन को आप काउंट कर लेंगे। उसके बाद अगली आईसी आती है पीजी आईसी, पिन ग्रेड एरे। पिन ग्रेड एरे में क्या होता है, अंदर की तरफ पिन होती हैं। दूसरी बात अगली आईसी आती है बीजी आईसी, बॉल ग्रिड एरे। इसमें बॉल्स बनी होती हैं, कई सारी बॉल्स होती हैं, वो आईसी के ऊपर डिपेंड करता है कितने बॉल की हो सकती है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से पिनों की काउंटिंग होती है। A1, B1, C1, A2, P3 इस तरीके से पिन की काउंटिंग होती है। आईसी की काउंटिंग जो होती है वो एंटी क्लॉक वाइज की जाती है, ये मैंने आपको समझा रखा है। नोट, आईसी की कोई टेस्टिंग नहीं होती है। आईसी हीट होने पर, ब्रेक होने पर, बर्न होने पर, क्रैक होने पर, वाटर डैमेज होने केस में आईसी हमारी ख़राब हो जाती है। आईसी को उसके इनपुट और आउटपुट के हिसाब से उसको चेक करते हैं, जैसे आईसी में इनपुट आ रहा है तो आउटपुट जाना चाहिए। आईसी को उसके नंबर के हिसाब से पहचानते हैं, तो जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में आईसी को उसके नंबर के हिसाब से पहचाना जाता है। और अगर आईसी के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत होती है तो उसको अच्छी तरीके से और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको एक मैं और अच्छा तरीका बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाने के बाद उसमें जैसे आईसी का नंबर लिखा PM89C16 आपको थोड़ा सा स्पेस देना है और आगे लिख देना है डाटा सीट। क्या लिख देना है, डाटा सीट मतलब PM89C16 या PMI 632 आगे लिख देना डाटा सीट। अब जैसे ही आप इस चीज को लिख करके जैसे ही आप एंटर करेंगे सर्च करेंगे तो वहां पर गूगल पे पूरी इंफॉर्मेशन खुल करके आ जाएगी, जैसे वो आईसी क्या काम कर रही है, किस चीज लगी है, उसका क्या वर्किंग है, कितने बॉल की होती है, कितने पिन की होती है, कितने रुपए की मिलेगी, वो भी सब चीजें आ जाती हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कैसे गूगल पर सर्च करेंगे, ताकि आप लोग इस तरीके से देख करके उसको आसानी के साथ में सर्च कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे हम लोग गूगल पे गए, गूगल पे हम लोगों ने यहाँ पर सर्च किया, जैसे PMI चाइनीज भाषा हो जाती है, PMI 632 आगे लिख देना तुमको डाटा सीट। आपने क्या लिख दिया, PMI 632 डाटा सीट। देखिए
ये इमेज पे जब आप आल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये खुल जाएगा। ये देखिए, ये देखो PM 632 डाटा सीट, जैसे लिख करके खोलेंगे तो यहाँ पर सब लिख करके आ जाएगा, पूरा डिटेल लिख करके आएगा, मैन्युफैक्चर किसने बनाया, कौन कौन से मोबाइल फ़ोन में लग जाती है और कौन कौन से मोबाइल फ़ोन में मैनेज हो सकती है, क्या काम करती है, ये सब चीज़ उसके बारे में पूरा PDF हिस्ट्री खुल जाएगा। और इस चीज़ को खोल खोल के आप समझ सकते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग के लिए लगती है, कि नेटवर्क के लिए लगी होती है, कि लाइट के लिए लगी है, कि मोबाइल फ़ोन में RF की लगी है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें लिखी होती हैं जिन बातों को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये हमारे मोबाइल फ़ोन में IC क्या काम करती है, या IC की इन्फॉर्मेशन आप आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर हम लोग IC को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं या उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में टोटल अगर देखा जाए तो आज हम लोगों ने IC के बारे में आपको बताया है कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सारी IC आती हैं उन सारी IC को हम लोग कितना आसान तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं या आसान तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग आगे वीडियो में इसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताएंगे, वरना वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा जिसमें आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से फिर समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन के IC होते हैं उन IC को कैसे पहचान सकते हैं। अब मैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल दूंगा कि कैसे IC को पहचाना जा सकता है, या वो मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सी IC लगी होती है, 2-साइड 4-साइड पिनों की काउंटिंग कैसे होती है, उसको इनपुट आउटपुट के हिसाब से चेक करने का तरीका क्या होता है, इन सब चीज़ों को लेकर के और भी मैं आपको डिटेल में आपको वीडियो आपको देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में मैसेज जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर हम आपको इतना मेहनत से आपको अगर इतना वीडियो बना करके दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ को शेयर करके सब्सक्राइब करके उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में अगर पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं A से लेकर Z तक, पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन के बारे में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख करके अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप कोई भी प्रॉब्लम कोई भी परेशानी आती है तो नीचे स्क्रीन पर नंबर पर संपर्क करें, और अगर ट्रेनिंग संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो दिन में कभी भी फ़ोन करें, वीडियो कॉल के माध्यम से क्लास देखें किस तरीके से क्लास हो रही है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास चलती है, सारे बच्चे अलग अलग करके सीखते हैं, उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको कई करके सिखाया जाता है, ताकि आप लोग जब उतना दूर से आते हो तो ये बात का विश्वास रखिए आप 100% तरीके से सीख करके ही जाते हैं, क्योंकि आपको सिखा करके खड़ा करना यही मेरा काम है, आप अच्छी तरीके से सफल हों, अच्छी तरीके से काम करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.